देश के इतिहास में ये पहली बार इस प्रकार की घटना हुई जब देश के प्रधानमंत्री 5 तारीख को फिरोजपुर में लगभग 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास करके पंजाब के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे थे, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और प्रधानमंत्री जी को उस सभा में पहुँचने, उस कार्यक्रम में पहुँचने से पहले कुछ लोगों ने रोक दिया, और वो संभव है कि सरकार के इशारे पर ही एक तरह से वो सारी घटनाक्रम वहाँ पर घटित हुआ है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि इस सारे संदर्भ में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बतौर पर, और इससे बढ़कर के मैं कहना चाहूँगा कि आज वो देश की नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और उनकी सुरक्षा किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से पंजाब की सरकार ने वहाँ पर खतरे में डाली, तो ये सब चिंता का विषय है। और चिंता का विषय नहीं, मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उनकी एक तरह की द्वेष की एक भावना इसमें दिखती है, और ऐसी परिस्थिति में मेरा फिर से इस बात के लिए ज़ोर से आग्रह है कि इसमें निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है। प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 मिनट तक एक जगह सड़क पर रुकना पड़ा और अंततः गतवा काफिला मुड़ करके फिर वापस जो है वो प्रधानमंत्री जी का वहाँ से चला गया, तो ये परिस्थिति अगर निर्मित हुई है तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार के तौर तरीके जिस प्रकार से बदले की भावना से, द्वेष की भावना से, घृणा की भावना से जो कार्रवाई की गई है उसकी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जितनी भी निंदा की जा सकती है वो कम है।